अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल निटिंग लवर्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ये बहुत प्यारा सा पैटर्न लाई हूँ। ये आप किसी भी गर्ल्स प्रोजेक्ट में अप्लाई करेंगे, बेबी फ्रॉक्स में या बेबी सूट में, तो ये बहुत प्यारा लगेगा। और ये कार्डिगन में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये पैटर्न जो है, देखिए, ये रॉन्ग साइड से इस तरीके से आता है इसकी बुनाई। और इस पैटर्न को बनाने के लिए हमें फंदे लेने होंगे 9 के मल्टीपल्स के हिसाब से। 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9 ऐसे लेते जाएंगे, और 3 स्टिचेस आपको एक्स्ट्रा रखने होंगे इसमें। और ये पैटर्न 10 रोज़ का पैटर्न है। आपको बताती हूँ इसे बनाने का तरीका। फ्रेंड्स, इस पैटर्न को बनाने के लिए मैंने अपनी सिलाई में फंदे डाल लिए हैं। मैंने इस पर लिए हैं 21 स्टिच। अब ये पैटर्न देखिए, राइट साइड है ये इसकी, ये कैसे बनेगा। फर्स्ट रो राइट साइड, पहली सिलाई में आप इसके पहले फंदे को उल्टा बनाएंगे, और उसके बाद हर फंदे को उल्टा उल्टा बना के ये इसकी फर्स्ट रो आप कंप्लीट करेंगे। हर फंदे को आपने उल्टा उल्टा बुनता जाना है। पर्ल योर ऑल स्टिचेस इन रो 1, सारे फंदे उल्टे बुने। और देखिए, इस तरीके से हमारी पहली सिलाई कंप्लीट हो गई। अभी हमारी सेकेंड रो है, तो ये सेकेंड रो है रॉन्ग साइड से। इसका पहला फंदा आप स्लिप कर लेंगे, उसके बाद इसके हर फंदे को सीधा सीधा बुनेंगे रॉन्ग साइड से। हर फंदे को सीधा सीधा बुन के आप ये वाला पूरी की पूरी रो कंप्लीट कर लीजिए इस तरीके से। अब देखिए, हमारी ये दो सिलाई कंप्लीट हो गई हैं। अभी हमारी थर्ड नंबर की रो है राइट साइड से। इसमें भी आप पहला फंदा स्लिप करेंगे और फर्स्ट रो की तरह इसे बनाएंगे। हर फंदे को उल्टा उल्टा बुन के पर्ल योर ऑल स्टिचेस ये पूरे कंप्लीट कर लीजिए। अब देखिए, हमारी ये तीन सिलाई कंप्लीट हो गई। फोर्थ नंबर की रो है रॉन्ग साइड है। पहला फंदा स्लिप करेंगे, उसके बाद के हर फंदे को आप सीधा सीधा बुन लेंगे चौथी सिलाई में। ऐसे आप अपनी ये वाली सिलाई पूरी कंप्लीट कर लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये चार सिलाई कंप्लीट हो गई हैं। आपको फोर रोज ऐसे दिख रही होंगी पर्ल वाइज। देखिए 1 2 3 4, तो ये आपकी इस तरीके से बना ली है हमने चार सिलाई। अब यहाँ से पैटर्न इसके आगे कैसे बनेगा देखिएगा। राइट साइड है ये हमारी, और फिफ्थ रो है। पहला फंदा स्लिप करेंगे, फिर एक फंदा सीधा बुन लेंगे। अब आपको ऊन को आगे से पीछे ले जाना है ऐसे। अब आपको एक फंदा सीधा बुनना है और फिर एक फंदा और सीधा बुनना है। दो फंदे सीधे बना लिए। देखिए, पहला फंदा आपने स्लिप करा, फिर एक फंदा सीधा बुना, फिर ऊन आगे से पीछे लिया, फिर दो फंदे सीधे बुने। अब इसके बाद देखिएगा, अब आपको दो फंदे आगे के ऐसे आपने इस सिलाई में लेने हैं। देखिएगा 1 और 2। अब आपको उल्टे हाथ की सिलाई है आपकी, इसे आपने आगे की तरफ से दोनों फंदों में डालना है ऐसे, और इन्हें सीधा फंदे की तरह बुन लेना है, दो का एक कर लेना है। देखिए ऐसे। अब आगे के जो दो फंदे हैं, इन्हें आपने इस तरीके से बुनना है। देखिए ऐसे, आगे की तरफ से सिलाई डाली दोनों में और दोनों का एक फंदा बना लिया। अब देखिए, आपके जो ये वाले फंदे हैं, इसकी ऐसे डायरेक्शन आएगी। ये जो आपने दो का एक करा, और ये वाले जो दो का एक करा, इसकी ऐसी डायरेक्शन में आएंगे ये फंदे। दोनों का मेथड अलग अलग है। अब देखिएगा, इसके आगे आपको एक और दो, दो फंदे सीधे बुनने हैं। अब आपको ऊन को आगे से पीछे ले जाना है, एक फंदा सीधा, फिर उनको आगे से पीछे ले जाएंगे, फिर एक फंदा और सीधा। अब इसके बाद आपको सिर्फ एक फंदा और सीधा बनाना है। ये एक जाली के बाद दो फंदे हो गए। अब यहाँ पे आपको दो फंदे फिर से सीधे हाथ की सिलाई में लेके उल्टे हाथ की सिलाई को नीचे से डाल के इसे दो का एक कर लेंगे। अब ये वाले दो फंदों को आगे की तरफ से सिलाई डालेंगे जैसे सीधा फंदा बुनते हैं, और दो का एक करेंगे ऐसे।
इस तरीके से। अब आपको आगे के दो फंदे फिर से सीधे बनाने हैं, 1 2। अब आपको ऊन को फिर से आगे से पीछे लेना है और एक फंदा ये वाला सीधा और लास्ट का फंदा जो है एडजस्ट स्टिच का ये भी सीधा बनाया जाएगा। तो ऐसे इसकी 5th नंबर की रो है ये आपकी पूरी कंप्लीट हो गई है। देखिए यहाँ तक आपकी एक बार बना पैटर्न, इसके बाद 2 बार, 2 टाइम हमने ये रिपीट करा है पैटर्न। अब आपकी ये 6th नंबर की रो है रॉन्ग साइड से, तो इसके हर फंदे को उल्टा उल्टा बुन के इस रो को हम कंप्लीट करेंगे। पहला फंदा इसका स्लिप कर लेंगे, उसके बाद हर फंदे को उल्टा उल्टा बुनेंगे। देखिए ऐसे बुनते जा रहे हैं हर फंदे को उल्टा उल्टा 1 by 1। देखिए जहाँ पे तिरछा फंदा आ रहा है उसको ऐसे बुन रहे हैं, जाली वाला फंदे आ रहे हैं जो आपके तिरछे फंदे आ रहे हैं। और ऐसे ही हमारी रो कंप्लीट हो गई है 6th नंबर की। अब आपकी 7th नंबर की रो स्टार्ट हो रही है, बिल्कुल आपने जैसे 5th रो बनाई थी सेम उसी मेथड से इस रो को आप कंप्लीट करेंगे। 5th नंबर की रो आई, ये आपकी 7th नंबर की रो स्टार्ट हो रही है 5th के बाद, बिल्कुल सेम मेथड रहेगा। पहला फंदा स्लिप करेंगे, उसके बाद एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर ऊन को देखिए आगे से पीछे की तरफ लेंगे। अब 2 फंदे सीधे बनेंगे, 1 2। अब 2 फंदे इस हाथ की सिलाई में लेंगे राइट हैंड में और उल्टे हाथ की सिलाई को ऐसे नीचे की तरफ ले करके 2 का 1 करेंगे ऐसे। अब ये वाले 2 फंदों को आगे की तरफ से ऐसे सिलाई डालेंगे दोनों फंदों में और 2 का 1 करेंगे ऐसे। अब आगे के 2 फंदे फिर सीधे, 1 2। अब देखिए फिर से आप जाली बनाएंगे, आगे से पीछे ऊन लिया एक फंदा सीधा, फिर आगे से पीछे ऊन लिया एक फंदा और सीधा। अब एक फंदा बुन के अब आप ये 2 फंदों को सीधे हाथ की सिलाई में ले लेंगे और ये उल्टे हाथ की सिलाई को नीचे की तरफ डालेंगे दोनों फंदों में और इसे 2 का 1 बना लेंगे फंदों को। अब ये 2 फंदों को आप बुनेंगे सीधे हाथ की तरह ऐसे करके जैसे सीधा फंदा बुनते हैं। अब 2 फंदे फिर सीधे बनाएंगे, अब फिर जाली बनाएंगे ऊन को आगे से पीछे लेकर ये 2 फंदे सीधे। तो इस तरीके से हमारी 7th रो कंप्लीट हो गई है बिल्कुल 5th रो की तरह बना के। अब हमारी ये वाली रो है 8th नंबर की रो, तो ये उल्टा उल्टा बुन के इसे आप कंप्लीट करेंगे। हर फंदे को उल्टा उल्टा बुन के इस रो को आप पूरा कंप्लीट कर लेंगे। अभी आपकी 9th नंबर की रो स्टार्ट हो रही है, तो जैसे आपने 5th और 7th रो बनाई थी वैसे ही ये वाली 9th नंबर की रो आप बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे। पहला फंदा स्लिप कर लेंगे बिना बुने, अब एक फंदा सीधा ऊन आगे से पीछे लिया, 2 फंदे सीधे, 2। अब ये वाले फंदे इधर लेके और देखिए जैसे आपने पहले बनाए थे 2 का 1 वैसे ही करेंगे और अब ये फंदों को 2 का 1 करेंगे आगे की तरफ से सिलाई डालकर ऐसे। देखिए ऐसे आपका डिज़ाइन आ रहा है।
अभी दो फंदे फिर सीधे, अब दो जालियां बनेंगी, इसके बाद उनको आगे से पीछे लेंगे, एक फंदा बुनेंगे, फिर उनको आगे से पीछे लेंगे, आगे के दो फंदे बुनेंगे, वन और ये एक और ऐसे। अब ये दो फंदे हैं, इन्हें आप ऐसे ही दो का एक करेंगे, और ये पीछे के दो फंदे हैं, इन्हें आप आगे की तरफ से सिलाई डालेंगे और ऐसे दो का एक बनाएंगे। अब दो फंदे फिर सीधे, फिर उनको आगे से पीछे घुमाएंगे, फिर दो फंदे फिर सीधे। ऐसे आपकी ये वाली रो भी कंप्लीट हो गई, 9 नंबर की। अब आपकी 10th नंबर की रो है, इसको आपने सारे फंदों को उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। पहला फंदा स्लिप करेंगे, उसके बाद जैसे आपने बनाई थी 6 और 8th रो, वैसे ही आप ये 10 नंबर की रो भी कंप्लीट करेंगे। बहुत इजी पैटर्न है ये, बार बार इसकी सिलाई जो है वो 3 बार रिपीट हो रही है, देखिए। बहुत इजी मेथड है इसे बनाने का। इस तरीके से ये पूरी रो आप अपनी कंप्लीट कर लेंगे। ये पैटर्न जो है एक बार आपका बन के तैयार हो जाएगा, ये वाली रो के बाद 10 सिलाई का ही पैटर्न है ये। तो देखिए आपका ये पैटर्न एक बार हो गया है तैयार। अब आपको ये पैटर्न रिपीट करना होगा, जैसे आपने यहाँ पे बनाई थी ये वाली नीचे वाली सिलाई, वैसे ही आप ये वाली 4 सिलाई फिर से रिपीट करेंगे। ये वाले सारे फंदे उल्टे, पहला फंदा स्लिप करके, ये वाले हर फंदे को उल्टा उल्टा बुन के ये वाली रो कंप्लीट करेंगे, राइट साइड की तरफ की फर्स्ट रो की तरह रिपीट करेंगे। अब देखिए आपकी ये वाली रो कंप्लीट हो गई है। अब बिल्कुल जैसे सेकंड नंबर की 3rd और 4th नंबर की रो बनाई थी, वैसे ही आप ये वाली रो आगे की 4 सिलाई कंप्लीट करेंगे। एक हो गई आपकी, 3 और बनानी है। इस वाली रो के सारे फंदे सीधे बुनेंगे, पहला फंदा स्लिप करके हर फंदे को सीधा सीधा बुनेंगे। अब ये वाली रो पूरी कंप्लीट कर लीजिए, फिर पीछे के साइड के सारे फंदे उल्टे और याली सिलाई के सारे फंदे सीधे बना लीजिए। तो देखिए हमारी ये इस तरीके से 4 सिलाई कंप्लीट हो गई हैं, 1, 2, 3, 4। अब ये पैटर्न जो आपने 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th ये वाली रो बनाई थी, वैसे ही आप इसे रिपीट करेंगे। तो इस तरीके से आपका ये पैटर्न बन के आएगा। आई होप फ्रेंड्स कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो आपको मिले। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।